और अब 5 की आज की खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक युवक के पेट में सिक्कों और चुंबक का भंडार मिला है। 5 की आंच में बात होगी आपके दिल से जुड़ी खबर की भी। आए दिन साइलेंट अटैक मौत की वजह बन रहे हैं। उधर नौकरी जाने के डर से एक युवक ने कर लिया सुसाइड। वहीं उज्जैन में अपहरण और फिर से लूट की वारदात पर पुलिस की कार्यशैली जो है उसी पर सवाल उठ रहे हैं। आसमानी आफत ने किसानों की मेहनत पर एक बार फिर से पानी फेर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं एक युवक की जिसका पेट गुल्लक बन गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके पेट में कई सिक्के और चुंबक के टुकड़े मिले। सर्जरी कर इन सब चीजों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन युवक ने सिक्के और चुंबक के टुकड़े क्यों निकले, ये सबसे बड़ा सवाल। अगर आप इसकी सच्चाई जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। इस युवक ने इसका कारण डॉक्टर्स को बताया तो डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। आखिर क्यों युवक ने सिक्के और चुंबक के टुकड़े निकले, इस रिपोर्ट में देखिए। पेट में दर्द, फिर हुआ बड़ा खुलासा। युवक की कारस्तानी, डॉक्टर हुए हैरान। पेट में मिला सिक्कों चुंबकों का भंडार, एक एक कर निकाले 39 सिक्के। क्या कोई ऐसा कर सकता है, डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गए। एक युवक का पेट गुल्लक बन गया, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसका कारण है एक युवक का पेट जिसमें से डॉक्टर्स ने एक एक कर कुल 39 सिक्के निकाले हैं। यही नहीं, सिक्कों के साथ युवक के पेट में चुंबक के 37 टुकड़े भी निकाले गए। देश की राजधानी दिल्ली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसके बाद डॉक्टर्स के भी होश उड़ गए हैं। एक 26 साल के व्यक्ति को 20 दिन से पेट में दर्द हो रहा था और उल्टी की शिकायतें थी। वो कुछ भी खा रहा था, उसको बार बार उल्टी हो जा रही थी। अब सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, कैसे युवक ने इतने सारे सिक्के और चुंबक के टुकड़े निगल लिए। दरअसल ये युवक मानसिक रोगी बताया जा रहा है। युवक के शरीर में जिंक की कमी थी, इसीलिए युवक ने जिंक की मात्रा को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीजें निगलनी शुरू कर दी। युवक की कारस्तानी को जानकर डॉक्टर्स ने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली। मामला दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल का है। बताया जा रहा है कि जब युवक को परेशानी होने लगी तो परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। एक्सरे रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। पेट के सीटी स्कैन में सिक्कों और चुंबक के होने का पता चला। सिक्के और चुंबक के टुकड़े निकालने के लिए युवक की सर्जरी की गई। और उसको ये थिंकिंग थी कि कॉइन में जिंक होता है और जिंक से बॉडी बनती है, तो मैं कॉइन खाऊंगा तो मेरी बॉडी जिंक बॉडी से अब्सॉर्ब होगा और मेरी बॉडी बनेगी। और मैग्नेट इसलिए खाए ताकि वो कॉइन्स को चिपका के रखे और ज्यादा अब्सॉर्प्शन हो रखे। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इतने सिक्के और चुंबक पेट में अंदर होने के बाद भी युवक कैसे जिंदा रह सकता है। फिलहाल सर्जरी के बाद युवक की तबीयत ठीक है और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दिल्ली से फराह खान, न्यूज 18। और अब बात आपके दिल से जुड़ी खबर की। दरअसल इन दिनों साइलेंट अटैक के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हार्ट अटैक की वजह से लोगों की मौत हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि मौत का साइलेंट अटैक कब आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इंदौर, निवाड़ी और गुना से जिस तरह के मामले सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि हार्ट अटैक आने का कोई समय नहीं है। ये कभी भी आ सकता है और ऐसे में जरूरत क्या है? जरूरत है कि आप अपने दिल का खास रूप से ख्याल रखें ताकि हार्ट अटैक से बचा जा सके। हार्ट अटैक से मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर से साइलेंट अटैक का कहर देखने को मिला है। निवाड़ी में एक पटवारी को हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने का सीसीटीवी भी सामने आया। आप देख सकते हैं शख्स कुर्सी पर बैठता है और बैठते ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है। शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर इंदौर में एक दिन में 3 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो गई। साइलेंट अटैक ने ऑर्केस्ट्रा कलाकार, पुलिस जवान और कैटरिंग का काम करने वाले युवक को अपना शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि जवान अजय सिंह परिहार बच्ची की पेपर दिलाने के लिए छुट्टी पर आया था, लेकिन हार्ट अटैक का शिकार बन गया। 8:30 बजे करीब अचानक हार्ट अटैक जो भी हुआ,
और फिर उनको हॉस्पिटल लाया गया, शशि नर्सिंग होम उसने नहीं लिया, उसके बाद में सेल्वी हॉस्पिटल लाया गया और वहाँ पर उनका अनमोल मिले गए। हाँ, हार्ट अटैक हुआ था। कौन कौन है परिवार में इनके? परिवार में इनकी दो बच्ची है और एक बच्चा है छोटा। कौन सी क्लास में बच्ची थी? बच्ची 10वीं क्लास में थी। वही दूसरा युवक जिसका नाम जितेंद्र सिंह बताया जा रहा है, वो गुजरात में केटरिंग का काम करने के लिए जा रहा था। रास्ते में वो नाश्ता करने के लिए रुका था लेकिन हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। साइलेंट अटैक के तीसरे शिकार का नाम दीपक गौड़ बताया जा रहा है, जो ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट था और सोते समय उसकी मौत हो गई। मेरे लड़के केटरिंग का काम करने गुजरात गए थे, कल मॉर्निंग में ये यहाँ से निकाल दिए, नाइट में कल मॉर्निंग उतरे वहाँ एक होटल में नाश्ता पानी करने के लिए। 8 लड़के थे, उसमें से एक लड़के को नाश्ता वास्ता करा और एकदम गाड़ी में बैठने जा रहा था और गिर गया, और फिर अपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला जिसमें मोर खत्म हो गया। हाँ, साइलेंट अटैक से मौत। क्या नाम था? जितेंद्र। क्या उम्र थी? 35 साल उम्र थी। गुना में क्रिकेट खेलने के दौरान एक शख्स को हार्ट अटैक आ गया। बताया जा रहा है कि युवक अपनी बल्लेबाजी का इंतजार कर रहा था, इस दौरान अचानक हार्ट अटैक आने से जमीन पर गिर गया। इन दिनों में साइलेंट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ना जाने कब मौत का ये अटैक आ जाए और जिंदगी का खेल खत्म हो जाए। पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जब साइलेंट अटैक ने जिंदगी छीन ली। ऐसे में लोगों को अपने दिल का खास ख्याल रखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।